सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कभी छोड़ते नहीं थे, अगर सुन पाए कि बड़ा व्यक्ति के वहां आया हम वहां भी जाते थे, लेकिन हम पंडित जी को देखकर नहीं। हम एक सत्य की खोज करते थे, अपनी सच्चाई की। जब सत्यनारायण कथा सुनाई जाती थी तो हम उनसे बाद में मिलते थे, जैसे कि आप लोग पाशनाथ मिलते हैं ना। Yes. हम तो प्रश्न समझ नहीं आता है, पाशनाथ मिलते हैं पूछते हैं भाषा इसका मतलब क्या है, बहुत सारी बातों को ज्ञान पाते हैं। हाय भैया, हम विरोध नहीं करते थे किसी, आज भी विरोध में नहीं किसी के। हाय भैया, लेकिन जो हमारे रियल में जिंदगी में जो हुआ वो हम बताना चाहते हैं। ऐसी एक खोज थी, हम वो सत्य को जानना चाहते हैं कि वो जो कथा सुनाया, जो आपने सुनाया कि ऐसे से उन्होंने ऐसा कथा सुना तो ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन उन्होंने जो सुना वो कथा मुझे सुनाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आता था। हाय भैया, मैं व्यापी होता था, बहुत सारी बातों को सुनता गया, यहाँ तक साधु संत महात्मा को बहुत संगति किया, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ तक हम उम्र बड़ी पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाए, इधर बीए फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया था। शादी हुई, शादी के बाद में और हम विचलित हो गए काम की वजह से, क्योंकि देखा जाए तो मीडियम क्वालिटी में हमारा परिवार जो है, पापा डॉक्टर हैं, अभी भी वो सीतापुर में डॉक्टर हैं, लेकिन हम मतलब नहीं रखते थे ज्यादा, क्योंकि हम बचपन से थोड़ा तेज थे, जो कुछ करना है अपने वो तो करना, हम ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। आदर सम्मान करेंगे, लेकिन हमें पापा से कुछ मिल जाए, हमें मिलेगा तभी हम जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं सोच। आज भी हमारी सोच ऐसी, किसी से मिलेगा तब आगे बढ़े नहीं। हेलो या, लेकिन परमेश्वर के बारे में बहुत बड़ी एक हमारे लगन थी कि हम सत्य को जाना, जैसे यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास। तो हम सच्चाई को नहीं जानते, बहुत सारी बातों को देखा। फिर 2002 में जय गुरुदेव का नाम सुना था, हम उनके भी जीवन हेलो या, सब कुछ त्याग दिया। अरे कोई है ही नहीं सच्चा, हम बहुत लोगों से पूछ रहे हैं, बहुत जगह पे जा रहे हैं, बहुत सारी बातों को लौंग और कपूर खा कर भी, हम कपूर हाथ पर जला कर भी हमने देखा था, 40-40 दिन उपवास करके देखा था पहले, लेकिन कुछ नहीं मिला उसे। हेलो या, बहुत कुछ ढूंढा, यहाँ की बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम जाते थे, बाबाओं के पास आते थे, लेकिन वो जो सत्य हम ढूंढते थे आखिर जिसने सब कुछ बनाया है वो गॉड है। हेलो या, धन्यवाद हो। लास्ट में सोचा कि शायद ये सबसे बड़े गुरु हैं जिन गुरुदेव के हम चेले 2002 में बने, 3.5 साल लगभग रहे, मथुरावी जी आते थे, सब कुछ करते थे, सब कुछ करने के बावजूद मुझे कोई भी शांति नहीं मिली। हेलो या, बड़े बड़े अपने गुरुओं से जो टाट पहनते थे, बहुत कुछ करते थे, उनसे भी मिलते थे, लेकिन सामने कुछ और है पीछे कुछ और है। हम बहुत इतना अपने जीवन से परेशान हो गए कि मुझे अब नहीं, अब रहना नहीं, और उधर काम का बोझ, इधर शादी हो गई, शादी का बोझ, बहुत सारा बोझ लेकर हम बहुत अधिक परेशान हुए। हेलो या, फिर एक दिन जॉब ढूंढने के लिए हम लखीमपुर में गए थे, वहां पर एक बहन हमारे रिश्ते में, हमारे फूफा जी के भी मौसेरी बहन लगती है वो, लेकिन उनके द्वारा हमें प्रभु के वचन के पास प्रार्थना के पास वो ले गई। उन्होंने एक वचन, एक टैक्स, 2-3 प्रकार के टैक्स दिया और हमारे दुआ किया, लेकिन हमें इंटरेस्ट नहीं आया, ये क्या है सब हालेलुया, ये सब हम सुन तो लिया, वहां पर कुछ विरोध नहीं किया, लेकिन बाद में हमने विरोध भी किया। हालेलुया, मुझे नहीं देना सब, हाँ मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, ये सब नाटकबाजी है, मैं बहुत कुछ देखा है सबसे करके। हम कई महीने जो उन्होंने बोला अगले समय जरूर आना, बीच में गए थे मिलने के लिए, वो रिश्तेदार भी बहुत बताया, पास्टर जी को बताया, बहुत प्रेम से बिठाया, बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, कर लिया मैंने, लेकिन नहीं, हमारे और नफरत हो गई, इतना सब कुछ करके देखा तो ये हालेलुया में क्या है, ये सब ईसाइयों का ढोंग है, ऐसा करके मैंने विरोध किया। हालेलुया, कई महीने के बाद ऐसा कुछ घटना घटा, उस घटना को लेकर कि एक चिट्ठी डॉक्टर के वहां एक डाका पड़ेगा करके एक चिट्ठी आई, चिट्ठी को देखकर मेरे में एक बहुत बड़ा जुनून पैदा हुआ। मैं बचपन से थोड़ा लड़ाई झगड़े में थोड़ा सा तेज था, तो मुझे माफ करें, उस समय का जीवन ऐसा था मैंने 2 बंदूकें बनवा ली, वो चोरी की, जब तक मेरे जीवन में मेरे शरीर में जान है मैं अपने घर को लूटने नहीं दूंगा, बहुत कुछ करना लूंगा, इतना डर से मार कई दिन तक ऐसा होता रहा। लेकिन एक दिन शनिवार की रात में जब सब लोग फास्टिंग करते होते हैं, उपवास करते होते हैं और प्रार्थना करते होते हैं, उसमें शनिवार की रात में शायद मेरे लिए पास्टर जी दुआ कर रहे होंगे, मेरे मन में अचानक परमेश्वर ने बात किया, तू कब तक ऐसा करता रहेगा, कब तक जगता रहेगा, मेरे पास
मुझे वो जो वचन उन्होंने दिया था पढ़ने के लिए, मैं तुरंत जाकर नीचे जाकर के छत पर से नहीं उतर करके नीचे जाकर के वो टेक्स्ट पढ़ा और मैं निर्णय किया नहीं अब किसी की नहीं सुना है, अब मुझे भवन में जाना चाहिए। हालेलुया, उस बात को लेकर हम परमेश्वर के भवन में गए। हालेलुया, और जब जाकर देखा तो पास्टर से सारी बातें प्रार्थना सुनने के बाद उसमें बंडल बड़े बंडल भेजी में था, हम तो गुटखा तंबाकू और कई प्रकार के लत में भी थे, कांटिन्यूटी करते नहीं थे, एक समय नहीं करते थे, लेकिन बुरी संगत में थे। उसने बंडल देह में था, प्रार्थना बैठे, जैसे प्रार्थना से बाहर आने के लिए बंडल तोड़कर फेंक दिया, पास्टर से जाकर मिले, सारी अपनी जितनी हमारी कहानी सब कुछ पास्टर दोबारा हमें बताया। हालेलुया, पास्टर ने दुआ किया और कहा जाओ आज से आप दुआ करना, कुछ नहीं होगा। उसी समय से जाकर के बंदूक को मैंने ऐसे ही फेंक दिया और सब कुछ करते हुए दुआ करने लगे। सच में आज तक भी मेरे परिवार में कोई बाला बांका। हालेलुया, उसके साथ साथ में हम एक महीने अंदर, एक महीने के बाद मतलब नवंबर 2006 में हम उधार पाए, जनवरी 2007 में बपतिस्मा लेकर और अप्रैल 2007 में अभिषेक पवित्र आत्मा का अभिषेक पा करके और सेवा के लिए अर्पण किया। यहाँ तक कि हमें मार डालने के लिए मेरे पापा ने ही कहा था तुम्हें हम मरवा देंगे अगर प्रभु को जाएंगे, किसी को ना सुन करके, किसी की बात ना मान करके। मेरी यहाँ तक मेरी पत्नी ने विरोध किया, तुम सब लोगों के विरोध में क्यों जा रहे हो? मैंने कहा कुछ भी हो जाए हमें अब कोई पीछे नहीं कर सकता। हालेलुया, आज तक इतनी बहुत सारी गवाहियां, अगर हम सारी गवाही देंगे तो समय कम पड़ जाएगा। हालेलुया, प्रभु में आने के बाद पत्नी को भी धीरे धीरे प्रभु में लेकर आए, वो भी बपतिस्मा पाए, हम सब लोग परिवार के सहित प्रभु में उसके बाद पिछले तीन बच्चों को दिया, आज सारे बच्चे, तीनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। और एक घटना और है कि जब हमारा दूसरा बच्चा परमेश्वर ने दिया था तो दो महीने के बाद उसके जीवन में ऐसी मृत्यु आई कोई कह नहीं सकता। वहां खेल रहा था, खेलते खेलते उसकी सांस चली गई, सारे लोग रो रहे हैं, हमारे बहन, हमारी मामी, सब लोग, यहाँ तक बने कमरे से जैसे हम आवाज सुना निकले तो मैंने पसीना चुका, क्या होगा? उसमें हम सेवा के लिए निकले नहीं थे, अर्पण कर चुके थे। हालेलुया, लेकिन हमारे अंदर ये इतना था कि हम अब करें तो क्या करें, लेकिन परमेश्वर सब कुछ करने वाला, बस तुरंत बच्चे को लेकर आप किसी के घुटने में खड़े होकर के रामदेव में ऐसे साइड में पूरी तरफ होकर के हम प्रभु को धन्यवाद देते रहे। 3 मिनट के अंदर परमेश्वर से प्राण। आज वो बच्चा 12 साल का हो गया। हालेलुया, और यहाँ जितने बच्चे हैं इन सारे बच्चों से वो हालेलुया बहुत से धन्यवाद हो। हर स्टेप पर स्टेप हम मिशन के साथ में रहे, सब कुछ किया, हम हर जगह सताए गए। मैलानी में रहने समय बहन को जब मिले थे तो वहां पर हमारे पास कुछ भी सुविधा नहीं थी, पुरानी साइकिल चला रहे, पुरानी साइकिल खरीद करके उसे बना बना कर 3 बच्चों को साइकिल में बिठा करके तब हम स्कूल छोड़ देते, फिर पत्नी को पीछे बिठाकर हम 30-40-50 किलोमीटर तक हम जाते थे वो आते थे। हालेलुया, संघर्ष आज जीवन में पास हमने बहुत सारे उदाहरण दिए होंगे, अच्छे सुनाए संघर्ष उसके प्रतिफल जरूर मिलता। हालेलुया, बहुत बहुत धन्यवाद हो। क्या आपने यीशु मसीह ने उस लक्ष्मी मारे व्यक्ति से क्या कहा था? उठ, हालेलुया, तेरे पाप क्षमा हुए, ये कहना क्या आसान है? ये कहना आसान है? हालेलुया, आज उद्धार करने की क्षमता, सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पर सिर्फ यीशु मसीह के पास। हालेलुया, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया, हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है। अगर मरकुस की पुस्तक में इस दृष्टांत को आप पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर बेहद कुछ टच करेगा। हालेलुया, हालेलुया, एक बार एक ही वचन पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोग अगर पढ़ सके तो मरकुस की पुस्तक उसका 2:4-5 पढ़ लीजिएगा। हालेलुया,
हालेलुया। शहर में लिखा पर जब भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वे उसे घेर चुके तो उस घाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका। हालेलुया। आप कल्पना करिए, कल्पना करिए और सोचिए, आप यदि आप अपने पड़ोसी के घर में जाते हैं या मेहमान घर में जाते हैं तो बिना उसके आदेश उस घर में कुछ कर सकते हैं? पर्दा हटाना है या कुछ खोलना है या उसको और लगाना है, बिना पास हिसाब से कुछ कर सकते हैं? हालेलुया। लेकिन उन विश्वासियों का एक विश्वास देखिए, उसमें कितने लोग थे? तीन। तीसरे आदमी लिखा है वो चार लोग थे। हालेलुया। कोई भी इमारत है तीन कोनों पर खड़ी नहीं है, कितने कोने हैं? चार। हालेलुया। इसलिए हमें दृढ़ मजबूत बनने के लिए चार बातें, वो चार लोग कौन थे? वो जो चार लोग लिखा है वो चार प्रकार की आत्मिक बातों के बारे में हम साथ में बता करके दास के हाथ में देंगे, पाशा के हाथ में देंगे। हालेलुया। वो पहली बात क्या है? परमेश्वर का वचन जिस प्रकार सिखाता है, ये जब यरीहो शहरपनाह के समय में जाने समय, हालेलुया, मार्ग में एक अधमुआ पड़ा हुआ व्यक्ति मिला था। ओ, कौन जा रहा था? किसने पट्टी मराम किया? बारी गति है सामरी। हालेलुया। और सामरी जाति को हम कुछ समझते हैं ना, उस समय के यहूदियों के समय लोग सामरियों को तो समझते हैं। आज बड़े से बड़े लोग हैं यहाँ पर संसार में, बड़े से बड़े ज्ञानी, धनवान और बहुत कुछ करने वाले, हालेलुया, मंत्री और कई प्रकार के अधिकारी भी वायदा करते हैं, क्या सब कुछ करते हैं? हालेलुया। लेकिन पर हमारा यीशु मसीह जो हमसे वादा करता है वो पूरा करता है। हालेलुया। सामने वचन क्या लिखा? हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। वो जो कहता है वो कभी बदलता नहीं। हालेलुया। लेकिन संसार आज भी मसीह लोगों को आज भी तुच्छ समझते हैं, लेकिन मसीह के लोग, हमारे मसीह यीशु मसीह भी अपने चेलों पे क्या किया? क्या किया? पैर धोए। हालेलुया। हालेलुया। आज वही दिन है, आज प्रभु में आप ना प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे हैं ना। हालेलुया। पर पवित्रता और भय के साथ, अनुचित रीति से कोई भी शामिल नहीं हो सकता, नहीं तो भविष्य को बदल कहता आगे खुद लड़ना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हम सब पर तरस खाता है। बहुत से लोग सोचते हैं हमने बपतिस्मा कर लिया, ले लिया है और प्रभु को हम पा चुके हैं, इस महीने हमने बहुत गलती कर दिया है, लेना है नहीं लेना है? नहीं लेंगे। बहुत लोग नहीं लेते हैं, नहीं लेंगे। हालेलुया। सोचिए, कल्पना करिए, आप नहीं लेंगे करके निर्णय ले लिया, लेकिन ये निर्णय नहीं लिया कि आज के बाद हम ऐसा नहीं के बीच में इस महीने में या इस हफ्ते में या इस दिन में मुझसे गलती हुई, मुझे पाप हो गया या ऐसा हो गया, क्या तरस खाए अपने जीवन पर? आगे को नहीं, आगे को एक नया निर्णय। हालेलुया। उस सामरी व्यक्ति को तरस आया था उस अधमुए व्यक्ति पर। हालेलुया। इसने उसे उठाया, पट्टी मरहम सलामी ले गया, पट्टी मरहम किया। हालेलुया। तो पहली बात क्या है हमारे जीवन के लिए? तरस होना। हालेलुया। हम लोगों को देख कर कहते हैं हम बहुत तरस खाते हैं, क्या करें, करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन क्या करें। हालेलुया। तो हम कर सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, उसके पास जाकर उसके दुआ कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक मौका है बता सकते हैं। हालेलुया। दूसरी बात है प्रेम। जब तक प्रेम नहीं है तब तक ये बात पूरी नहीं होगी। हालेलुया। तरस तो आ रहा है, प्रेम करेंगे तभी हम उसकी मदद कर पाएंगे, प्रेम होगा तभी उसके पास जाएंगे। हालेलुया। प्रेम होगा तभी उसके लिए समय दे पाएंगे, प्रेम होगा तभी उसकी मदद कर पाएंगे। प्रेम नहीं है तो केवल मुंह से कह दिया, भैया बहुत तरस आए हैं, सब कहते हैं पीछे को हंस रहे, बहुत से लोग लेते होंगे आप लोगों को। हालेलुया। तीसरी बात,
तरस हो गया, प्रेम हो गया, फिर भी काम नहीं चला। क्या हुआ? तरस भी प्रेम किया, लेकिन फिर भी हमारा क्या होना चाहिए? विश्वास कि हम इतना उसके पास जा रहे हैं, परमेश्वर जरूर कार्य करेगा। क्या होना चाहिए? विश्वास। हालेलुया। विश्वास करने के लिए 12 साल से लहू बहन और स्त्री ने विश्वास किया था। और कब गई थी? ऐसा नहीं बाइबल में लिखा नहीं है, ये नहीं लिखा है कि वो जानती थी फिर भी नहीं गई, पर वो जानती थी। उसके बाद को ऊपर से नीचे तक उस प्रॉपर पढ़कर देखेंगे, आपको पता चले वो इस मसीह बारे में जानती थी। लेकिन उसको डर क्या था? समाज क्या कहेगा? समाज ईसाई बोलेगा, कोई ऐसा बोलेगा, कोई वैसा बोलेगा, कोई बहुत कुछ और बातें बोलेगा। आज बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में ऐसा होता है। हालेलुया। हम अगर चर्च जाएंगे, हमें कोई ईसाई बोलेगा, कोई हमारे साथ में मेल मिलाप नहीं रखेगा, कोई शादी विवाह नहीं करेगा, कोई बहुत सारी बातों को लेकर के आज भी बैठे रहते हैं। वो स्त्री 12 साल इसलिए लगे कि वो इन सारी बातों के में लगी हुई थी। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर वैद्य हाकिमों और ओझाओं के पास जाकर सारा बे सब कुछ खर्च कर दिया, यहाँ तक मरने वाली थी, केवल हड्डी ही बची थी। तब उसने क्या किया था? विश्वास। अब मैं वस्त्र को ही छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। इसलिए उसने क्या किया? विश्वास, और वो चंगी हो गई। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी कहा तेरे विश्वास से तुझे चंगा। हालेलुया। चौथी बात है दृढ़ता। आज हम विश्वास को ही दृढ़ संकल्प लेकर रहना है। हम संकल्प लेते हैं, निर्णय लेते हैं, लेकिन फिर भी हम चूक जाते हैं। हालेलुया। दानिय्येल के बारे में सुना है, सिंहों के मार्ग में से भी डालने के पहले भी ठीक है, एक कहा मैं मुझे नहीं डालना। हालेलुया। ये भी नहीं डरा। शद्रक मेशक अभिनगो से 3 मित्र भी थे, आके धरते हुए भट्टे में डाले जाने से पहले भी राजा ने पूछा क्या मुझे जरा भी डर नहीं लगता? हालेलुया। उसने कहा नहीं, ये राजा इस बात का प्रयोजन कोई है नहीं कि हम आपको उत्तर दूं, लेकिन हे राजा मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूं वो तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है और आपके भट्टे से भी बचा सकता है। हालेलुया। इसलिए सबको पता है आग का भट्टा से भी ज्यादा कई गुना ज्यादा नरक का आग। अगर बचना है तो इन 4 बातों को अपने मन में बनाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की उसे ठीक है। हमारे पास समय कम है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा जो